मेरे भी मम्मी पापा होते तो मैं भी आज इन बच्चों की तरह स्कूल जाती। अरे जय देखो भिखारी, चलो इसे पत्थर मारते हैं। अरे अरे मेरा पत्थर लगा था उसे। मेरा पत्थर भी लगा था, भिखारी कहीं की। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही करना था क्या तुझे? आज अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। अरे मुझे तो भूख लग गई, पर मेरे पास तो इतना कबाड़ भी नहीं हुआ कि मैं इसे बेचकर खाना ले लूं। चलो कुछ देर और कबाड़ ढूंढ लेती हूँ, क्या पता मिल ही जाए। अब तो भूख बर्दाश्त हो ही नहीं रही है, क्या करूं? आज कबाड़ तो मिल नहीं रहा है, लगता है आज तो मुझे किसी घर से खाना मांगना पड़ेगा, नहीं तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। आंटी, ओ आंटी, आंटी, ओ आंटी। हाँ, क्या चाहिए? आंटी मुझे भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा खाना तो खत्म हो गया, कहाँ से दूँ तुझे? आंटी रात वाला पड़ा है वो ही दे दो, बहुत भूख लगी है। होता तो दे देती, जा किसी दूसरे घर से मांग ला। अंकल, ओ अंकल, अंकल। हाँ क्या चाहिए? अंकल कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं है खाना, चलो यहाँ से। अंकल दे दो ना। चलो यहाँ से। अंकल दे दो मेरे पास, अंकल। अंकल मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। खाने के पैसे लगते हैं, ले आ पैसे, अभी दे देता हूँ खाने के लिए। अंकल पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप दे दो ना मुझे खाना। पैसे नहीं है तो खाना भी नहीं है, चल भाग जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है भिखारी। पापा मम्मी इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था, और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। मारी हो आपके पास, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। मम्मी पापा मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे आंटी। अरे अंकल क्यों बचाया मुझे, मत जाने दो, मुझे नहीं जीना। अरे बेटा मुझे कुछ बात तो बताओ, क्या हुआ? नहीं अंकल मैं नहीं जीना चाहती। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा मुझे बताओ सही क्या हुआ। अंकल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है बेटा तुम्हारा? हाँ अंकल कोई नहीं है, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। अंकल मेरे मम्मी पापा को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए, और मैं अपना गुजारा कबाड़ बेचकर करती हूँ, और आज मुझे कबाड़ नहीं मिला, और मैं किसी के घर खाना मांगने गई तो मुझे उन्होंने खाना ही नहीं दिया। अच्छा तो बेटा ये बात है? हाँ अंकल। तो बेटा आज से तू अनाथ नहीं है, आज से तुझे मैं अपनी बेटी बना के रखूँगा, चल मेरे साथ।